साथियों, राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं, इतने साल हो गए कभी नहीं करता हूं। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था। और आज हम नतीजे देख रहे हैं। मध्य प्रदेश ने भी हमें फिर दिखाया है कि भाजपा के सेवा भाव का कोई विकल्प नहीं है। दो दशक से वहां भाजपा की सरकार है और इतने वर्षों के बाद भी भाजपा पर भरोसा लगातार मजबूती हो रहा है। छत्तीसगढ़ के परिवारजनों को तो मैं, जब मैं वहां चुनाव सभाओं में गया तो मैं खुद ही पहली सभा में, छत्तीसगढ़ के चुनाव की पहली सभा में मैंने खुद कहा था कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको 3 दिसंबर के बाद सरकार बनेगी तो शपथ समारोह में निमंत्रण देने के लिए आया। छत्तीसगढ़ के परिणाम से साफ है कि हर परिजन ने उस बात को स्वीकार किया है। मैं तेलंगाना की जनता और तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। हर चुनाव में तेलंगाना में भाजपा का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। मैं तेलंगाना के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि बीजेपी आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना अभिवृद्धि कोसम एल्लापुडु पनि चेस्तूने उंटुंदी। तेलंगाना तो माको चाला मंची अनुबंधम उंडी। मेरे परिवारजनों, इस चुनाव परिणाम की गुंज सिर्फ एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहेगी। इन परिणामों की गुंज दूर तक जाएगी। पूरी दुनिया में इन चुनाव परिणामों की गुंज सुनाई देगी। ये चुनाव परिणाम भारत के विकास पर भरोसा, दुनिया के भरोसे को और मजबूती देगा। ये चुनाव परिणाम दुनिया भर के निवेशकों को भी नया विश्वास देगा। भरोसा ये कि आजादी के अमृतकाल में विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है, उसे जनता जनार्दन का लगातार आशीर्वाद मिल रहा है।
आज दुनिया देख रही है कि भारत का लोकतंत्र और भारत का वोटर दोनों कितने परिपक्व हैं, कितने मैच्योर हैं। आज दुनिया देख रही है कि भारत की जनता पूर्ण बहुमत के लिए, स्थिर सरकार के लिए सोच समझ करके वोट कर रही है।